साथियों, दागज हरियाणा में आपका स्वागत है। एक तरफ तो पूरा देश शोक में डूबा हुआ है क्योंकि 13 जवानों की जो मौत हुई है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सीडीएस रावत समेत 13 जवान उसमें शहीद हुए हैं, तो उसी को लेकर सीडीएस रावत पर एक व्यक्ति ने गलत टिप्पणी कर दी। अभद्र टिप्पणी करने से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक घंटे बाद सोशल मीडिया से डिलीट कर दी पोस्ट, मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा। तो कैसे पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा और उसने क्यों पोस्ट डाली है, तो ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्ट को करीब एक घंटे बाद डिलीट कर दिया गया था। टोंक पुलिस ने मामला को गंभीर से लिया। गुरुवार सुबह गिरफ्तार से युवक से पूछताछ की जा रही है। एसपी ओम प्रकाश ने बताया कि टोंक शहर के राज टोकीज के पास रहने वाले जावाद 21 वर्षीय है पुत्र अब्दुल नकी खान को गिरफ्तार किया गया है। वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सीडीएस जनरल विपिन रावत के शहीद होने की सूचना के बाद बुधवार देर शाम जावाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। पोस्ट में रावत के शहीद होने को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। पोस्ट के वायरल होने पर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। पोस्ट को लेकर पुलिस अफसरों से शिकायत दी गई। पोस्ट डालने के करीब एक घंटे बाद जावाद ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। तब तक हजारों की संख्या में लोग उस पोस्ट को पढ़ चुके थे। तलाश में रात भर जुटी रही पुलिस की चार टीमें। एसपी ओम प्रकाश ने मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत पुलिस की चार टीमें बनाई। साइबर सेल व मोबाइल लोकेशन के आधार पर चारों टीमें तलाश में जुट गई। रात भर जवाद की तलाश में पुलिस दबिश देती रही। आखिरकार गुरुवार सुबह मोबाइल लोकेशन के आधार पर जवाद पकड़ा गया। तो जिस तरह पूरा देश शोक में डूबा था और ये एक अभद्र टिप्पणी बहुत ही गलत इनका कदम था, तो क्यों किया गया है ये पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पूरे देश को आज सीडीएस बिपिन रावत पर गर्व है, लेकिन ऐसे पता नहीं कैसे महामूर्ख हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। एक हमने कोहिनूर का हीरा खो दिया, लेकिन ऐसे बदतमीज पता नहीं कहाँ से यहाँ देश में पैदा हो रहे हैं। उन्होंने क्यों सीडीएस पर अभद्र टिप्पणी की, क्यों उन 13 शहीदों पर अभद्र टिप्पणी की, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो देखते रहिए दागज हरियाणा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।